नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। मैं हूं आदेश पुरी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आपको बताएं कि कुछ दिन पहले ही लगभग 150 के आसपास अंचलाधिकारियों के तबादले को मुख्यमंत्री नीतीश के द्वारा रोक लगा दिया गया। वही अब बताएं आपको हम कि अमीन एवं राजस्व कर्मचारियों के तबादले से संबंधित नियमावली 2022 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी किया गया था और ये नियम बना दिया गया कि अब जो है राजस्व कर्मचारी और अमीन का तबादला जिले में जिलाधिकारी नहीं कर सकते हैं। 3 साल बाद उनका जिले में तबादला होगा और 10 साल बाद उनका प्रमंडल से बाहर उनका तबादला होगा और बगल के प्रमंडल में तबादला नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको बताएं कि सरकार ने, नीतीश सरकार ने इस नियमावली को भी रद्द कर दिया है और 2013 की नियमावली फिर से यथावत बनी रहेगी और जो भी कर्मचारियों का तबादला हुआ है वो फिर से पुराने अपने जगहों पर तैनात होगा। यानी कहने का मतलब है कि अब डीएम जो है वो जिले में अमीन और राजस्व कर्मचारी का तबादला अपने जिले के क्षेत्र में जब चाहे तब कर सकते हैं। पुरानी नियमावली सक्रिय होने के साथ एक बार फिर से जिलाधिकारियों के को यह अधिकार मिल गया है कि वह अमीन और राजस्व कर्मचारियों का तबादला जिले के अंदर कर पाएंगे। नए नियमावली में यह अधिकार जिलाधिकारियों से ले लिया गया था। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सभी अधिकार विभाग के पास आ गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से पुरानी व्यवस्था लागू कर दी गई है। जानकार सूत्रों के मुताबिक नई नियमावली रद्द होने से अमीन और कर्मचारी की मनमानी पर अंकुश नहीं लग पाएगा। बताया जा रहा है कि नई नियमावली का विरोध विभाग के एक बड़े तबके के द्वारा देखने को मिल रहा था। इससे लेकर कुछ लोगों को समस्या होने लगी थी। इसके बाद सरकार इस तबके के सामने कहीं ना कहीं नरम पड़ती नजर आ रही है और आखिरकार पुरानी नियमावली को ही लागू कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो अंचलाधिकारियों की तबादला जो है उसको रद्द किया जाता है और उसके बाद विभाग एक नया नियमावली लेकर आता है जिसके तहत अमीन और राजस्व कर्मचारी का तबादला का जिम्मा भी अब विभाग के हाथों में आ जाता है। लेकिन बाद में सरकार ने इसे निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया और जिलाधिकारियों को ये अधिकार दिया है कि अपने जिले के अंदर वो राजस्व कर्मचारियों और अमीन का तबादला करते रहें। आपको बता दें कि बिहार में अभी लगभग 4,500 के आसपास नए राजस्व कर्मियों की बहाली हुई है और बहुत जल्द इनको प्रखंडों में भेजने का कार्य चल रहा है। ऐसे में पुरानी व्यवस्था लागू होने से इनका जो व्यवस्था है, जो पोस्टिंग है, वो जिलाधिकारियों के ही हाथ में रहेगी। विभाग अब कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि 2022 की नियमावली को रद्द कर दिया गया है। क्या कारण है ये अभी तक तो स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि विभाग में एक लॉबी है जो कि इस नए नियमावली को मानने को तैयार नहीं था। विरोध था उनका क्योंकि इससे जो बनी बनाई व्यवस्था जो है वो चरमराने का डर था। लेकिन इन सब के बावजूद जो प्रखंडों में, क्षेत्रों में जो राजस्व कर्मचारियों की मनमानी है, रंगदारी है एक तरह से कहें, उन पर अंकुश लगाने का एक प्रयास माना जा रहा था नई नियमावली, उस पर एक धक्का लगा है क्योंकि अब राजस्व कर्मचारी जो हैं वो जिलाधिकारियों की ही के ही हाथों तबादला उनका होगा और एक जिले में वो बहुत समय तक तैनात रहेंगे और ऐसे में उनकी एक लॉबी बन जाती है और वो जो हैं राजस्व वसूलने में, निर्धारण में अपनी मनमानी भी करते हैं। तो खैर, सरकार ने आदेश रद्द कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।